हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं जो है आप लोगों को लेसन टू जिसका नाम स्लीप है पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले क्लास में भी मैंने जो है उसका कुछ पैराग्राफ पढ़ाया हुआ था, आज मैं उसका जो नहीं पढ़ाया हुआ था पैराग्राफ उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। आज मैं जो है आप लोगों को स्लीप का जो है चौथा पैराग्राफ पढ़ाने जा रहा हूँ। नॉर्मल स्लीप इज मेड ऑफ टू अल्टरनेट फेज। आमतौर पर नींद जो होता है दो भागों में बांटा गया है। फेज वन इज कॉल्ड नो ड्रीमिंग। पहले चरण में जो होता है कोई सपना नहीं होता है, पहले चरण में जो होता है कोई सपना नहीं होता है। यूजुअली इट कॉल ओनली पार्ट ऑफ नाइट। यह जो होता है पहला भाग जो होता है यह नींद का प्रथम चरण में होता है। फेज टू इन्वॉल्व, अब देखिए फेज टू दूसरे चरण में जो होता है ड्रीमिंग सपने का होता है, दूसरे चरण जो होता है वो सपने का होता है। इट अक्यूर मोस्टली इन द लेटर पार्ट ऑफ द नाइट फॉर वेरीफाइंग पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए इस भाग में जो है रात बीतने के बाद से जो है हम लोग वेरीफाई बहुत समय में जो है हम लोग वेरीफाई करते हैं, यानी जो है हम लोग सपने से देखते हैं। इफ यू वेक अप ड्यूरिंग दिस डे, जब आप सपने देखने के दौरान जग जाते हैं, यू विल ऑलमोस्ट सर्टेनली रिमेम्बर योर ड्रीम। तो आप सपने में क्या क्या देखे हैं इसे आप लोग याद रख सकते हैं, इसको आप लोग याद बोल सकते हैं कि हमने सपने में ये देखा है। व्हेन वी स्लीप, जब आप सोते हैं बॉडी फंक्शन स्लो डाउन। जब हम लोग जो है सोते हैं तो हम लोगों का बॉडी जो फंक्शन है, जो शरीर के जो कार्यक्रम करता है वो क्या होता है, वो स्लो हो जाता है, धीमा हो जाता है। बॉडी टेम्परेचर फॉल, और बॉडी टेम्परेचर जो होता है हम लोग का शरीर का जो तापमान भी होता है वो भी गिर जाता है। दिस इज बिकॉज आवर बॉडी कीप टू ए लेवल ऑन 24 आवर साइकिल ड्यूरिंग विच बॉडी टेम्परेचर राइज फॉल एंड फिक्स टाइम। 24 आवर यानी कि 24 घंटे में हम लोग का जो टाइम जो होता है वो फिक्स होता है, जिसमें जो क्या होता है हम लोग का टेम्परेचर, हम लोग का जो ताप होता है वो कम भी होता है और ज्यादा भी होते रहता है। नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर इज लोएस्ट इन मिडिल ऑफ द नाइट। समांतर जो होता है हम लोगों का बॉडी टेम्परेचर, हम लोगों के शरीर का जो तापमान जो होता है वो जो है मध्य रात्रि में कम होता है एंड हाईएस्ट इन द आफ्टरनून, और दोपहर में जो होता है हम लोगों का टेम्परेचर जो होता है वो हाईएस्ट होता है। क्योंकि मध्य रात्रि में आप लोगों को जो इन्वायरमेंट होता है वो कूल हो जाता है, और आपका नून में जो होता है इन्वायरमेंट जो होता है वो आपका हॉट रहता है, जिसके कारण क्या होता है टेम्परेचर भी हम लोग का हाई रहता है। व्हेन यू गेट इनफ स्लीप, क्या आप ज्यादा सोते हैं, यू पे अटेंशन बेटर इन द स्कूल। यदि आप ज्यादा सोते हैं, यदि आप नींद जो है पूरी लेते हैं तो आप जो है विद्यालय में जो है अच्छी तरह से ध्यान दे पाते हैं, यानी आप जो विद्यालय आते हैं उसमें जो ध्यान जो आप लोग ज्यादा दे पाते हैं। टू क्रिएटिव थिंग न्यू आइडिया, और आपके पास जो क्या हुआ नए नए विचार भी उत्पन्न होंगे, क्योंकि आपका दिमाग जो होता है नींद जब हम लोग पूरी कर लेते हैं तो हम लोग का दिमाग जो होता है तरोताजा होता है, इससे हमें क्या नए नए विचार भी उत्पन्न भी होते हैं। फाइट सिकनेस, बीमारी से लड़ने की ताकत भी होती है। यू स्टे हेल्दी, और आप स्वस्थ भी रहेंगे। बी इन गुड मूड, और आपका मूड भी सही रहेगा। और आप नींद जो है पूरी लेते हैं तो आपका मूड भी सही रहेगा, क्योंकि हम लोग जब नींद पूरी नहीं ले पाते हैं तो हम लोग का अगले दिन जो होता है किसी काम में जो है मन नहीं लग पाता है। वेल एक्सीडेंट एंड फैमिली, और फैमिली के साथ और जो भी दोस्त के साथ इन लोगों के साथ भी हम लोग का बताओ जो है वो सही रहेगा। इफ यू नॉट गेट इनफ स्लीप, यदि आप ज्यादा नींद जो पूरी नहीं ले पाते हैं, यू कैन फॉरगेट व्हाट यू लर्न, तो आप भूल जाते हैं कि आपको क्या करना है, आपको रूटीन क्या है, आप कौन कौन सा काम करना है, ये आप भूल जाते हैं। एवं ट्रबल मेकिंग डिसीजन, और आपको निर्णय लेने में भी दिक्कत होती है, आपको जो है निर्णय लेने में भी दिक्कत होगी। इन ए बैड मूड, और आपका मूड भी वो सही नहीं रहेगा, मतलब किसी काम में जो है आपको काम करने का मन नहीं लगेगा। हैव ए ट्रबल प्लेइंग गेम, हैव ए ट्रबल लिसनिंग टू पेरेंट्स एंड टीचर, इसमें जो है आपको कोई खेल भी खेलने जाना है उसमें भी आपका मन नहीं लगेगा, उसमें भी आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पाइएगा। और लिसनिंग, अगर कोई आप सुन रहे हैं मम्मी पापा या शिक्षक की बातें भी सुन रहे हैं उसमें भी आप समस्या उत्पन्न नहीं हो पाएगा। बी ए लेस पेशेंट विद ए फ्रेंड, और इसमें जो है आप लोग जो है अपने दोस्तों से भी क्या हुआ आप जो है धैर्य से नहीं रह पाएंगे, बात वो सही बोलेंगे लेकिन आप लोगों को वो चिड़चिड़ापन रहेगा, और क्या होता है उसको हम लोग डिसीजन सही से उसको समझ नहीं पाते हैं। ब्रदर एंड सिस्टर, समटाइम एवरी वन हैज डिफिकल्टी इन स्लीपिंग,
कभी कभी जो है किसी को भी जो होता है सोने में दिक्कत होती है, बट इफ यू मिस कवर ऑफ आवर ऑफ स्लीप, यदि आप जो है घंटू जो है सोना जो है मिस कर जाते हैं, नो हार्म डू, इससे नुकसान जो है नहीं होता है। यू मे फील टायर्ड एंड इरिटेबल, आप जो है अपने आप को थका हुआ महसूस करेंगे, आप जो है अपने आप को थका हुआ महसूस करेंगे इरिटेबल नेक्स्ट डे, अगले दिन जो है आप जो है नींद पूरी नहीं ले पाते हैं, अगले दिन जो है अपने आप को थका हुआ और मन में जो है कुछ जो है बेचैनी सर आता है। बट द बॉडी सुन मेक्स फॉर वर्क, अब देखिए आपका शरीर जो है वो आपको क्या हुआ नुकसान ही पहुंचाएगा, फॉर इवर यू ट्राई टू स्टे अवेक नाइट आफ्टर नाइट, यदि आप जो है रात रात भर क्या हुआ एक रात के बाद दूसरे रात भी आप जो है कोशिश करते हैं कि आप क्या हो जगने की कोशिश कर रहे हैं, यू सून बीगिन हैव स्टैंडिंग, तो आपका जो बिहेव होगा आपका जो विचार होगा वो क्या होगा बहुत ही विचित्र हो जाएगा, यू लॉस द एबिलिटी ऑफ कॉन्स्टेंट एंड जजमेंट गेट इंस्पायर्ड, और आप जो है जो भी जजमेंट करना है यानी जो भी निर्णय लेना है जो भी आप करना चाहते हैं इसमें जो है आप जो है एकाग्रता नहीं कर पाते, यानी आप जो काम करना है कैसे उसको लेना लेना है किस काम को कैसे निपटाना है इसके बारे में जो है हम लोग निर्णय लेने में भी असमर्थ हो जाते हैं। यू बिगिन इमेजिन स्ट्रेंज थिंग्स द बिहेवियर बिकम डिजाइन, और इस तरह से जो है आप जो है अपना इमेज यानी कि आप जो कल्पना जो करते हैं इसी चीज की तरह व्यवहार करेंगे और इससे जो है आप असमान से रहेंगे, यानी क्या हुआ आप समान तो रहेंगे लेकिन क्या हुआ आपका व्यवहार जो है असमान हो जाएगा। ए लॉट ऑफ पीपल हैव सीरियस स्लीप प्रॉब्लम, बहुत सारे लोगों को जो है सोने की बीमारी से ग्रसित है, सम पीपल फाइंड दैट दे कैन नॉट स्लीप सम वेक अप इन द मिडिल ऑफ द नाइट, अब देखिए कुछ लोग जो है वे लोग जो है सो ही नहीं पाते हैं, कुछ लोग जो है वो सो ही नहीं पाते हैं एंड सम वेक अप इन द मिडिल ऑफ द नाइट, और कुछ लोग जो है मध्यरात्रि में ही जग जाते हैं, लोगों का प्रॉब्लम क्या है जब भी मध्यरात्रि होगा वो सोए हैं लेकिन मध्यरात्रि में हुए जग जाते हैं टू अर्ली इन द मॉर्निंग, और नहीं तो खूब तरह सुबह ही हुए जग जाते हैं, दे आर नंबर ऑफ कॉज, इसके अनेक कारण है, इसके जो कारण जो है वो अनेक है, वरी एंड डिप्रेशन आर मोस्ट कॉमन एडी कॉज, वरी चिंता और दबाव जो होता है ये मेन जो कारण होते हैं जिसके कारण क्या होता है आदमी जो है वो सही से नींद नहीं ले पाता है। ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स एनवायरमेंट कैन इफेक्ट स्लीप, नॉइज लाइट हीट कोल्ड न्यू सराउंडिंग, अब देखिए सभी प्रकार के हमारे वातावरण में सभी प्रकार के जो चीजें हैं जैसे इफेक्ट करने में अगर सोने में जो प्रभाव डालने वाले में पहला जो है नॉइज है हल्ला, हम सोए हुए हैं हल्ला बुरा शोर शुरू हो रहा है जिससे नींद भी सही नहीं लग पाएगी, लाइट भी है सोए हुए हैं और लाइट ज्यादा है इसमें भी हम लोग नींद नहीं ले पाते हैं, हीट ठंडी गर्मी और न्यू सराउंडिंग और नए जगह भी जाते हैं तो वहां भी नींद हम लोग की पूरी नहीं हो पाती है, पेन इलनेस कैन बी कीप पीपल अवे अवे, अब कितने लोग जो है इस बीमारी की पेन इलनेस, अब क्या हुआ बीमारी के लिए क्या हुआ दवा होता है कैन बी कीप पीपल अवे, अब दवा भी होता है तो हम लोग जो दर्द की दवा भी लेते हैं तो उससे भी क्या हुआ पीपल जल्दी जग जाते हैं, मोस्ट ऑफ अस एक्सेप्ट ऑन क्रोनिक सिकनेस विदाउट सीकिंग हेल्प, अब देखिए मोस्ट ऑफ एक्सेप्ट ऑन क्रोनिक, कुछ तो अस्थायी जो है अनिंद्रा होती है कुछ अस्थायी भी कारण भी होते हैं विदाउट सीकिंग हेल्प, मैनी पीपल बिकम एडिक्ट स्लीपिंग पिल्स, कितने लोग जो होते हैं और सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स जो है एक जो है बीमारी की दवा का ये जो है सोने की बीमारी के लिए हम लोग लेते हैं स्लीपिंग पिल्स जिसका नाम होता है लेते हैं, बट स्लीपिंग पिल्स डू नॉट क्योर दिस ऑर्डर द स्लीपनेस, लेकिन स्लीपिंग जो पिल्स हम लोग लेते हैं ये जो है दवा लेना ये हमारे लिए उतनी अच्छी नहीं है, कॉल्ड इंसोमनिया, इसे इंसोमनिया होती है, इट इज बेटर अवॉइड देम इफ यू कैन, यदि आप इससे बचना चाहते हैं इफ यू अवॉइड बचना चाहते हैं हम लोग इट इज मच बेटर आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एंड रिमूव इट, तो हमें जो है पहचान करने का हम लोगों को जो नींद जो है वो क्यों नहीं लग पाती है, हमें क्या हुआ हमें ये पता लगाना होगा हम लोगों का नींद जो नहीं लगने का कारण क्या है और उस कारण को हमें क्या हुआ हटाना पड़ेगा तब हम लोग की नींद पूरी लग पाएगी, तो दैट